पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर किसान विकास समिति ने शहर में रैली निकालकर जिला कलेक्टर को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में महिलाएं सिर पर मटका रखकर चलते हुए नजर आईं। समिति के जिला अध्यक्ष कोमल शर्मा ने बताया कि समिति का मुख्य उद्देश्य शहरी व ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को ERCP योजना को लेकर जागरूक करना है। गौरतलब है कि अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के करीब 13 जिलों में भीषण पेयजल संकट बना हुआ है। भूमिगत जल स्तर लगातार तेजी से नीचे गिर रहा है, जिससे बांध, तालाब, कुएं आदि जल स्रोत खत्म हो रहे हैं। कृषि आधारित जीवन घटता जा रहा है और मवेशियों की संख्या में भी लगातार कमी हो रही है। सिंचाई के अभाव में खेत बंजर बनते जा रहे हैं। पानी की कमी के कारण ही राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थान भी स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। इन हालातों में गांव से आमजन का पलायन बढ़ रहा है। 2017 की राज्य सरकार ने योजना का 37,247.12 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय जल आयोग को भेजा था। उस वक्त केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया था कि ऐसे में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना आवश्यक है। राज्य व केंद्र सरकार की आपसी खींचतानी व मनमुटाव का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, जिससे अलवर सहित पूर्वी राजस्थान में व्याप्त पेयजल संकट की समस्या का निराकरण हो सके। हमारा उद्देश्य है महिलाओं को जागरूक करना। ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो कि हमारे राजस्थान के 13 जिले आते हैं, जिसमें पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। पानी की इतनी ज्यादा समस्या हो पा रही है कि महिलाएं घर घर में परेशान है। इसलिए जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको हमने इकट्ठा किया है, एक रैली के रूप में उनको इकट्ठा करके महिलाओं को जागरूक करने का उनको संदेश देंगे कि आगे आप भी पानी बचाओ और चंबल का पानी लेके आओ। हर घर में जब पानी होगा तो देख किसान की ठाट, जब किसान के ठाट होंगे तो खेतों में हरियाली आएगी, जिससे हमें अनाज मिलेगा, अनाज से पैदा हुई हमें हर हरी वस्तु मिलेगी, हर भारी भारी जो भी चीजें हैं वो मिलेगी। तो हमारा मकसद है सिर्फ जल को पूर्ति करना। कहाँ से कहाँ इस रैली का आयोजन किया जाएगा? इस रैली का है रेलवे स्टेशन संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर से नंगली सर्किल, यहाँ तक इस रैली का आयोजन।